उमेश जी से मेरा संबंध 80 के दशक का है, जब मैं अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद संगठन का काम करने दिल्ली आया तो उस समय आत्माराम एआरएसडी कॉलेज, उसमें उनके छोटे भाई सतीश के साथ मुलाकात हुई और मैं संगठन का काम देखता था तो एआरएसडी कॉलेज जाना प्रायः हर मंगलवार को होता था। वहीं मुझे जानकारी मिली कि जेएनयू में काम को खड़ा करने में उमेश जी का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे लिए तो वो आश्चर्य का विषय था क्योंकि मैं जिस विश्वविद्यालय से आया था वहां जेएनयू के बारे में इस तरीके की चर्चा होती थी जैसे वहां सिवाय एक विचारधारा को छोड़ के और कुछ है नहीं। तो मैं बहुत आश्चर्य में भी पड़ा। मैंने सतीश जी से कहा कि मैं उमेश जी से मिलना चाहूंगा। हम और सतीश जी जेएनयू गए थे और उमेश जी से पहली मुलाकात मेरी वहीं जेएनयू में हुई थी। बहुत ही मृदुभाषी, संवेदनशील और प्रखरता के साथ विषयों पर अपनी बेबाकी के साथ बात कहने की सतीश जी की आदत थी। बहुत लंबी चर्चा हुई, जानने की कोशिश की कि जेएनयू में कैसे उन्होंने विद्यार्थी परिषद को खड़ा किया, क्या कमियां हैं, किस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं, सब पर बहुत बेबाकी से उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमको उस समय समझाने का प्रयास भी किया था। बाद में हमारा काम भी वहां बढ़ा। ये मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी। उमेश जी के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सारी जिंदगी उन्होंने एक राष्ट्रभक्त के रूप में जो भी जिम्मेवारी उनके कंधों पर आई उसको उन्होंने निभाने का प्रयास किया और उसको पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं था कि वो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में उनकी सोच थी या उनका कार्यशैली थी। वो अपने जीवन में, अपने पत्रकारिता जीवन के साथ साथ उनका सामाजिक पक्ष भी था, उनका पारिवारिक पक्ष भी था, उनका अपने पड़ोस के साथ भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में जिम्मा निभाना यह भी उनके व्यक्तित्व में था। संपूर्णता में जीना यह हमने उमेश जी से सीखा था। और बात में बहुत तटस्थ लेकिन मृदुभाषी, बोलने में बहुत नरम, लेकिन कभी भी किसी विषय पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना या आइडियोलॉजिकली किसी तरीके की उसमें लचीलापन आना, ऐसा हमने उमेश जी में कभी देखा नहीं। अभी हमारे पत्रकार जगत के वरिष्ठतम लोगों ने उनके बारे में जिस तरीके से बताया वो उनकी पत्रकारिता के रूप में भी उनकी हाइट को बताता है और उसके बावजूद भी उनकी सरलता, उनकी मानवता वाली अप्रोच, वह भी हम सबको प्रेरणा देता है। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में सब लोग शोकाकुल अवस्था में आए हैं, यह अपने आप में बताता है कि उमेश जी का व्यक्तित्व तो कैसा था। बोलने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उमेश जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी भी उन्होंने ही नेवर हैड ए कमर्शियल एंगल, कभी भी उन्होंने जोड़ घटाओ नहीं किया जीवन में, इससे क्या मिलेगा और इससे क्या जाएगा, इसका उन्होंने कभी भी जोड़ घटाओ नहीं किया। उन्होंने जो समाज के लिए आवश्यक है, जो देश के लिए आवश्यक है, जो मानवता के लिए आवश्यक है, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे अपने मित्र को खोना, मैं केरल में था जब मुझे सूचना मिली, विश्वास नहीं हुआ कि हमने एक अपना मित्र अचानक इस तरीके से खो दिया। हम सब लोग शोकाकुल तो हैं
लेकिन मैं आप अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उमेश जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के साथ साथ सभी उनके समर्थकों को सहने की ताकत दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम।